राजू श्रीवास्तव ने अंतिम सांस ली, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। उनके बाद ये तस्वीरें देखिए एम्स अस्पताल के बाहर की है, जहां पर जैसे ही खबर आई और मीडिया का जमावड़ा शुरू हुआ, यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि अस्पताल में सीसीयू में जहां पर उनकी डेथ हुई है, वहां पर उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव और उनके भाई दीपू श्रीवास्तव यहाँ पर मौजूद है और उनके जान पहचान। और हमारे साथ इस वक्त अनु अवस्थी जुड़ गई हैं। अनु जी, जब राजू श्रीवास्तव के निधन की खबर मिली आपको अब से कुछ मिनटों पहले, तो दुख के साथ साथ एक ऐसा मन में ख्याल कि कॉमेडी जगत को एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। कॉमेडी जगत को भी एक बड़ा नुकसान हुआ, सामाजिक जगत को भी एक बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि राजू भैया कॉमेडियन के साथ साथ एक बहुत सामाजिक आदमी थे, दूसरे का दुख दर्द समझते थे और उनके बनाए हुए सैकड़ों कॉमेडियन आज उनकी देन है। राजू श्रीवास्तव की देखी देखा कई लोगों को रोजी रोजगार मिल गया है और हम लोगों का तो लग रहा है ऐसा कि जैसे बिल्कुल कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, हम लोग कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। इतना संघर्ष करने के बाद हम लोग सोच रहे थे राजू भैया जरूर हम लोगों के बीच में वापस लौटेंगे, लेकिन ये आज का दिन हम लोगों का जीवन का सबसे खराब दिन गया है। और अभी बड़ा कच्चा परिवार है, बच्चे उतने समझदार नहीं है, शिखा भाभी भी बिल्कुल घरेलू थी, जहाँ राजू भैया ले जाते तो वहीं जाती थी, कहीं आज तक अकेले नहीं गई। भगवान ने कैसा कहर बरपा दिया उनके परिवार पे, कुछ समझ नहीं पा रहे। अनुजी, राजू श्रीवास्तव के बारे में जब हम बात करते हैं तो हर कोई ये कहता है कि खुद उन्होंने कॉमेडी की दुनिया में एक मुकाम तो हासिल किया ही, लेकिन अपने बाद आने वाले तमाम कॉमेडियंस की मदद करने में भी वो सबसे आगे रहे। जी जी, कम से कम 100 कॉमेडियन को उनने कॉमेडियन बनाया, जो लोग हताश हो गए थे, लौट आए थे, होटलों में नौकरी करने लगे थे, उनको बुला बुला के पैसा दे दे के अपनी जगह दे के रोका उन्होंने कि यहाँ रुको, तुम्हें रहने खाने की चिंता नहीं है, हिम्मत ना हारो। और उनने बहुत लोगों को बढ़ाया अपनी तरफ से, वो फोन करते थे लोगों को जो मतलब कहीं किसी दीन के नहीं थे, उनको राजू श्रीवास्तव फोन करते थे, बिल्कुल परेशान ना हो, हम हैं, जैसी जो जरूरत हो बताना। अमूमन कमेडियन पैसे से टूटता है, जिसमें राजू भरपूर खुला हाथ रखते थे और कहते थे कि अपना हुनर दिखाओ, बस लोगों को हंसाओ, ये एक सेवा है, जो सेवा वो खुद दे रहे थे। और अब कैसे क्या होगा समझी नहीं आ रहा। अनुजी, जब हम राजू श्रीवास्तव का जिक्र करते हैं तो कानपुर का जिक्र भी जरूर आता है और आपका उनसे जुड़ाव इतना सालों का रहा है, कानपुर के लिए जो राजू का प्रेम था वो आखिरी वक्त तक भी देखने को मिला। हाँ, कानपुर का दरअसल बचपन बीता हम लोगों का उनके साथ और आज कानपुर समझ लीजिए, कानपुर ने वो चीज खो दी है कि जिसका कोई मोल नहीं है। दूसरा राजू श्रीवास्तव अब हजारों साल तक कानपुर में पैदा नहीं होगा और कानपुर आज बहुत घाटे में चला गया है। कानपुर का मतलब इतना नाम उठाया राजू भैया ने और पूरा कानपुर, हम लोगों ने कोई मंदिर मस्जिद मठिया नहीं छोड़ी जहां राजू भैया के लिए प्रार्थना ना करी हो, लेकिन किसी भगवान ने नहीं सुना, किसी देवी देवता ने नहीं सुना और राजू भैया को अपने पास बुला लिया। अनुजी, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है राजू श्रीवास्तव के देहांत पर। उन्होंने क्या कहा अपने दर्शकों को, एक बार वो भी सुना देते हैं।